नमस्कार दोस्तों, इन स्टेट टेक इन्फो में आपका स्वागत है। डीजीटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो कि 8 अप्रैल को जारी किया गया था। इसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम होना है सीबीटी की। जो विद्यार्थी छूट गए थे, जिनका सेशन आपका 18 से 20 जो 2 ईयर्स के कोर्स कर रहे थे, जो 19 से 21 जो 2 ईयर्स के कोर्स कर रहे थे, 19 से 20 1 ईयर्स के कोर्स या 6 मंथ के कोर्स जो कर रहे थे, 20 से 21 1 ईयर के कोर्स या 6 मंथ के कोर्स कर रहे थे, उन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होना है। जो विद्यार्थी सीबीटी एग्ज़ाम दे नहीं पा और कुछ वजह से उनका एग्ज़ाम छूट गया, देखिए इसमें लिखा है स्पेशल सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर लेफ्ट ओवर रेगुलर ट्रेनिंग, जिनका एग्ज़ाम छूट गया है, ठीक है, जो रेगुलर ट्रेनिंग है उनका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। इसमें ये बैक पेपर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो रेगुलर ट्रेनिंग है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें डेट भी दिया गया है, शेयरिंग ऑफ डाटा एंड सेंटर मैपिंग एंड जनरेशन ऑफ हॉल टिकट, ये आपको 12/4/2022 से 14/4/2022 को ये आपका मैपिंग जारी हो जाएगा, ये इंटरनल होता है दोस्तों, ठीक है। फिर आप डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट, आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे कब, 10 डेज इन एडवांस ऑफ एग्ज़ाम डेट, यानी कि एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा जो कि हॉल टिकट का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 24/4/2022 से 17/5/2022 तक आपका सीबीटी एग्ज़ाम होना है। ये 3 फेज़ में होंगे, पहला फेज़ जो कि 25/4/2022 से 30/4/2022 तक चलेंगे, दूसरा फेज 6/5/2022 से 10/5/2022 तक चलेंगे, तीसरा फेज 13/5/2022 से 17/5/2022 तक चलेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद आपको रिजल्ट 2 वीक्स ऑफ जून, यानी कि जून के दूसरे हफ्ते में देखने को मिलेंगे, जो कि इसमें लेटर में बोला गया है। अब ये कब जारी करते हैं इनके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, यानी कि आपको जून में 10-12 जून तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कोई बैक पेपर का जिक्र नहीं किया गया है, जिनका बैक लगा हुआ है उनके लिए अलग से एक पोर्टल पेमेंट का आएगा पहले सप्लीमेंट्री का, उसके बाद उनका हॉल टिकट जनरेट होगा, उसके बाद वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें लिखा भी गया है कि सीबीटी एग्ज़ाम फी पेमेंट विंडो विल बी ओपन शॉर्टली, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा सीबीटी एग्ज़ाम फी पेमेंट के लिए। जो विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, जिनका बैक लग गया था, और उनके लिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वो अपना पेमेंट करके हॉल टिकट जनरेट कर सकते हैं, फिर आपको सीबीटी एग्ज़ाम देने के लिए मिल जाएगा। अधिक से वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनका एग्ज़ाम छूट गया था उनके लिए। धन्यवाद।